क्वेश्चन नंबर 51 पराग लिमिटेड। पराग लिमिटेड इशूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ विच 10 ईच एट 50% प्रीमियम। द अमाउंट पर शेयर वॉज कॉल्ड एज अंडर। तो पहले देखो इशू कितना किया पराग ने, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए, तो हम वो लिखेंगे यहाँ पर। ये गुजरात में 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, GU 2018 में। पराग लिमिटेड इशू कितने हुए, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू है। रेट क्या है, 10 रुपीज पर शेयर एट 50% प्रीमियम। तो एट द रेट 10 + 50% प्रीमियम, यानी प्रीमियम कितना हो सकता है, 5। ये कैपिटल और ये प्रीमियम। अब आगे देखो, 4 टाइम अमाउंट मंगवाइए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल, ओके। फर्स्ट कॉल पर कितना मंगवाया, 3 रुपीज। फर्स्ट कॉल पर एप्लीकेशन के टाइम पर कितना है, 3। अलॉटमेंट के टाइम पर कितना मंगवाया, 7 विद प्रीमियम। प्रीमियम कितना है, 5। तो कैपिटल कितनी होगी, 2 रुपीज़ कैपिटल। फर्स्ट कॉल पर कितना है, 3। फाइनल कॉल पर कितना है, 2। टोटल कितना होगा, 15। 10 + 5, ओके। आगे कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 1,60,000 शेयर्स। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर्स, ओके। अब इसका अलॉटमेंट कैसे करना है, हमको प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है। तो प्रोरेटा अलॉटमेंट करने के लिए हम एक बीच में यहाँ पर क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे। तो टेबल ड्रॉ करेंगे, टेबल में एक साइड होगा एप्लीकेशन और दूसरी साइड होगा अलॉटमेंट, ओके। तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यहाँ हम लिख देंगे। और लास्ट में कैलकुलेशन के लिए एक अलग से टेबल बनेगा। कितने कॉलम, 1, 2, 3, 4, तो 4 यहाँ पर हम बनाएंगे। कंपनी रिसीव्ड 1,60,000 शेयर्स एप्लीकेशंस ऑफ विच 150 शेयर्स एप्लीकेंट्स वेर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। तो 1,50,000 को देखो, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 1,60,000 एंड दिस इज एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। एंड अलॉटमेंट कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 1 लाख शेयर्स, बिकॉज कंपनी हैज़ इश्यूड 1 लाख शेयर्स। 1,50,000 शेयर होल्डर्स को प्रोरेटा अलॉटमेंट कर दिया गया है 1 लाख शेयर्स का। 1,50,000 शेयर होल्डर्स वेयर अलॉटेड 1 लाख शेयर्स, ओके। तो रिमेनिंग 1,60,000 माइनस 1,50,000 रिमेनिंग 10,000 शेयर एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड दैट इज गिवन हियर। एंड रेस्ट एप्लीकेशन, रेस्ट मीन्स 160 माइनस 150 यू विल गेट 10,000। रेस्ट एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड मीन्स देयर नो शेयर्स वेयर अलॉटेड टू देम आफ्टर देन द मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन वॉज एडजस्टेड अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एंड जो एडवांस मिला है हमको, वो हमको कहाँ लेके जाना है, अलॉटमेंट में लेकर जाना है, ऐसा इन लोगों ने कहा है। अब पहले इन दोनों का रेशियो निकाल देते हैं, 5 × 2 = 10 एंड 5 × 3 = 15। तो हमारे पास रेशियो इजीली मिल जाएगा कितना, 3:2, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रदीप हु अप्लाइड फॉर 3,000 शेयर्स। देखो यहाँ वर्ड यूज हुआ है अप्लाइड, फेल टू पे कॉल ऑन अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट का कॉल नहीं भरा है एंड देयरफॉर हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड। तो अलॉटमेंट के बाद ही इसके शेयर्स फॉरफिटेड कर लिए गए हैं। इसने क्या किया, नहीं किया अलॉटमेंट का मनी पेमेंट नहीं किया है, सो उसके शेयर्स यहीं पेमेंट और यहीं फॉरफिटेड कर लिए गए हैं, ओके। एंड देयर आफ्टर फर्स्ट कॉल वॉज मेड, उसके बाद में फर्स्ट कॉल मंगवाइए। आगे बढ़ते हैं, प्रकाश तुम 3
थाउजेंड शेयर्स वर एलोटेड, ये देखो एलोटेड वर्ड यूज हुआ, ध्यान रखना एलोटेड वर्ड हो तो डायरेक्टली हम शेयर्स लिख सकते हैं। फेल टू पे फाइनल कॉल एंड देयर फोर ही शेयर्स वर ऑल्सो फॉरफिटेड, उसने फाइनल कॉल का पेमेंट नहीं किया है 3000 शेयर्स पर, सो उसके शेयर्स भी हमने क्या किया, फॉरफिटेड कर लिए आफ्टर फाइनल कॉल, फॉरफिटेड। ओके एंड एट लास्ट व्हाट इज गिवन देयर, एंड दिस फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड टू प्रवीण एट 7 पर शेयर। रीइश्यू हमने कब किया है, ओनली लास्ट में, कहाँ किया है, लास्ट में, कितने शेयर, सबके सब जितने भी शेयर हो वो सबके सब कितने पे करने, 7 पर, कितने पे करने, 7 रुपीज पर शेयर पर हमने उसको रीइश्यू किया है। सो इतना कैलकुलेशन करने के बाद हम यह टेबल बनाते हैं, पहले पर्टिकुलर्स, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। ओके, इश्यू, उससे पहले हम यहाँ पर ये कैलकुलेशन जो है नंबर ऑफ शेयर्स वो बाकी है उनको देख लेते हैं। शेयर होल्डर का नाम क्या था, प्रदीप, फर्स्ट वाले का नाम क्या था, प्रदीप, एप्लीकेशन की थी 3000 शेयर्स के लिए, तो यहाँ लिखेंगे पहले हम प्रदीप, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, एप्लीकेशन कितने के लिए की, 3, तो उसको अलॉटमेंट कितना करेगा, 2, ये हमारा रेशियो था 3:2, एप्लीकेशन अगर कोई करे, देखो यहाँ पर अप्लाइड लिखा था इसलिए पहले मैंने क्या लिखा, एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट लिखा, बाकी के सम हमने जो पिछले किए वहाँ पे पहले हमने क्या लिखा था, अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट दिया होता था तो एप्लीकेशन फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर क्या होगा, एप्लीकेशन दिया है सो एप्लीकेशन से स्टार्ट और अलॉटमेंट, और एप्लीकेशन कितने के लिए की उसने, 3000 की, तो उसको अलॉटमेंट कितना किया गया होगा, 3/2, तो 3000 पर कितना होगा, सिंपली 2000 शेयर्स, ये अलॉटेड शेयर्स हमको मिल गए, तो हम यहाँ कितना ले सकते हैं, 2000 शेयर्स लिख सकते हैं अलॉटमेंट। ओके नाउ एप्लीकेशन कितनी रिसीव्ड हुई होगी उससे, देखो 3000 पर पेमेंट किया होगा बिकॉज उसने अप्लाई कितने के लिए किया था, 3000 के लिए, तो उसने 3000 पर कितना रुपीज़ भरा होगा, 3 रुपीज़ पर शेयर, यानी कि 3 × 3 = 9000 उसने सबसे पहले पेमेंट किया होगा, बट इन एक्चुअल एप्लीकेशन कितना होना चाहिए उसका, 2000 शेयर्स पर कितना रुपये होना चाहिए, 3 रुपीज़ पर शेयर, बिकॉज 2000 शेयर्स पर अलॉटेड, सो 6000 उसके पास ओरिजिनल कैपिटल, ओरिजिनल पेमेंट होना चाहिए था, उसने 9000 किया, सो 3000 एडवांस, ये क्या माना जाएगा, एडवांस हो जाएगा, ठीक है। अब जो कॉल्स इन एरियर्स, अलॉटमेंट के टाइम पर कितना पेमेंट किया उसने, देखो ये बिल्कुल भी नहीं किया, कितने शेयर्स पर, 2000 × 7 होना चाहिए था उसका, 2000 × 7 कितना होता है, 14000 होता है, पेमेंट इतना करना था तो एक भी कर पाया नहीं, लेकिन उसने एडवांस पेमेंट किया हुआ है कितना, तो एडवांस को माइनस कर देंगे इसमें, तो हमको कॉल्स इन एरियर्स मिलेगा 11000, कितना मिलेगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉल्स इन एरियर्स, ये कॉल्स इन एरियर्स के लिए हमारी कैलकुलेशन होती है छोटी सी, इसको हमको माइंड में रखना है। आफ्टर देन इशू कितना किया, देखो सबसे पहले 1 लाख इशू किए थे, सो 1 लाख अलॉटमेंट के टाइम पे भी कितना आएगा, 1 लाख, बट आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टर अलॉटमेंट सम शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, इट मीन्स 2000 शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड रीइश्यू हुए नहीं है, तो रीइश्यू के टाइम पर हम देखो यहाँ पे किया और 2000 ऐसे माइनस कर देंगे नेक्स्ट टू के लिए, वाई, बिकॉज दीज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड एंड नॉट रीइश्यूड, जब तो कर लिए और साथ के साथ में वहीं के वहीं रीइश्यू ना किए जाए तो उन शेयर्स को हम या माइनस करने के बाद ही आगे कॉल मंगवा सकते हैं, तो 1 लाख माइनस 2000 करेंगे कितना आएगा, 98000 और 98000, यस और नो, 1 लाख शेयर्स थे, 2000 शेयर्स आफ्टर अलॉटमेंट फॉरफिटेड हो चुके हैं, सो आफ्टर अलॉटमेंट 2000 शेयर्स हमने यहाँ पर डिडक्ट कर दिए, बिकॉज दीज शेयर्स वेर नॉट रीइश्यूड, उन शेयरों को वापस पुनः प्रकाशित नहीं किया गया तो उनके तुरंत इसलिए, ओके, मार्केट में वो है ही नहीं, जब्त कर लिए कंपनी ने तो कंपनी कॉल भी नहीं मंगवा सकती उन पर। नाउ कॉल्स ऑन कॉल्स, तो
तो पहले कितना है 3, आफ्टर देन कितना है 7, 7 का लिखा हुआ है 2 + 5, 2 rupees कैपिटल, 5 rupees प्रीमियम, आफ्टर देन कितना है 3 and 2, तो 3 and 2 अमाउंट रिसीवेबल, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 lakh × 3, 3 lakhs, 1 lakh × 7, 7 lakhs, नाउ 98,000 × 3, 2 lakh 94,000, एंड एट लास्ट 1 lakh 96,000, ओके नाउ एप्लीकेशन रिसीव्ड कितनी हुई थी, वो एप्लीकेशन रिसीव कितनी हुई थी वो हमको यहाँ देखनी है, तो 1 lakh 60,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, और पर शेयर कितना मंगवाया था एप्लीकेशन के टाइम पर, देखो एप्लीकेशन के टाइम पर 3 rupees, तो 4 lakh 80,000 आफ्टर आउट ऑफ दिस 3 lakhs विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल, कैपिटल में ट्रांसफर कितना हो जाएगा 1 lakh × 3, बिकॉज वी इशू 1 lakh शेयर्स एट 3, 3 lakhs will be transferred to the capital, it means application, okay? Rejected कितना देखो यार 10,000, तो पहले वो rejected आ जाएगा कितना bank, rejected की जगह हम क्या लिखते हैं bank, कितना 10,000 shares and 3 rupees per share, so 30,000 will be there. Then the remaining amount will be transferred to the allotment, लिखा हुआ rest of the money adjusted to the allotment, बोलो 1 lakh 50,000, so this 1 lakh 50,000 will be transferred to the allotment 1 lakh 50,000, okay? Now we will make calculation for, here is 5 lakh 50,000 after deducting this amount. Calls in arrears, calls in arrears में प्रदीप एंड टू नेम्स हैं, फर्स्ट हमारा शेयर होल्डर है प्रदीप, उसके 2000 शेयर्स वेयर फोरफिटेड, एंड सेकंड वन इज प्रकाश, प्रकाश हुज 3000 शेयर्स वेयर फोरफिटेड, ओके प्रकाश का कॉल्स इन एरियस कितना 11,000, वी हैव मेड कैलकुलेशन फॉर दैट, कॉल्स इन एरियस फॉर सॉरी प्रदीप, प्रदीप के लिए कितना है 11,000 यहाँ पर हमारा कॉल्स इन एरियस है, यहाँ पर उसका आएगा नहीं बिकॉज हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर अलॉटमेंट, ओके देन प्रदीप, प्रदीप हैज़ नॉट पेड ओनली फाइनल कॉल, प्रदीप हैज़ नॉट पेड ओनली फाइनल कॉल, तो फाइनल कॉल मीन्स 3000 × 2 rupees 6,000 he has not paid, so his shares were forfeited, so 1 lakh 90,000, 2 lakh 94,000 and 5 lakh 39, okay this amount is transferred to the bank. Now we will write general entries, first entry in the books of Parag Limited, company का नाम क्या है Parag Limited, first entry bank account debit, application received toward to equity share application account, toward equity share application account, so how much 4 lakh 80,000, 160 × 3, 4 lakh 80,000, second number this money will be transferred to equity share capital account to bank account because excess money rejected application,
टूवर्ड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके टोटल 480,000, आउट ऑफ दिस 3 lakhs फॉर कैपिटल, 30,000 फॉर बैंक एंड 150 फॉर अलॉटमेंट। 3 lakhs, 30,000 फॉर बैंक एंड 150,000 फॉर अलॉटमेंट। ओके नाउ थर्ड नंबर एंट्री फॉर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट अलॉटमेंट वन इज कॉल्ड टूवर्ड टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इफ सिक्योरिटी प्रीमियम इज देयर सो राइट डाउन टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ओके टोटल कितना मनी कॉल्ड अप करना है, 7 lakhs टोटल, 7 lakhs, 1 lakh इंटू 7। नाउ आउट ऑफ दिस कैपिटल इज 1 lakh इंटू 2 rupees कैपिटल पर शेयर एंड प्रीमियम इज 5 rupees पर शेयर, तो 1 lakh इंटू 5, हियर इज 2 lakhs एंड 5 lakhs। आउट ऑफ दिस बैंक अकाउंट डेबिट रिसीव्ड ऑफ अलॉटमेंट मनी कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू वॉट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके हाउ 5,39,000 इन बैंक, 11,000 कॉल्स इन एरियर्स एंड 5,50,000 अलॉटमेंट। 5,39,000 वी विल रिसीव इन बैंक, 11,000 विल बी कॉल्स इन एरियर्स एंड द रेस्ट ऑफ 5,50,000 टोटल ऑफ दिस। ओके फिफ्थ एंट्री फॉर फोर फीचर, बिकॉज आफ्टर अलॉटमेंट वी हैव फॉरफिटेड सम शेयर्स ऑफ प्रदीप, सो फोर फीचर की एंट्री करेंगे यहाँ पर। तो एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इफ ही हैज नॉट पेड द अमाउंट ऑफ द मनी ऑन सिक्योरिटी प्रीमियम, सो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम की अमाउंट भी देखो यहाँ पर अलॉटमेंट के साथ ही थी, सो दैट इज नॉट पेड, सो वी हैव रिटर्न हियर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट एंड टू वॉट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू वॉट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाउ मेनी शेयर्स, 2000 शेयर्स, कैपिटल कितनी होगी यहाँ पर, कॉल्ड अप कैपिटल ओनली 3 + 2 टिल अलॉटमेंट, अलॉटमेंट तक हमने कितनी कॉल्ड अप किए, 3 + 2, आफ्टर दिस वी हैव फोरफिटेड शेयर्स, सो 3 + 2 इट मीन्स 5 rupees एंड द प्रीमियम 2000 इंटू 5 वॉज द प्रीमियम 10,000 एंड 10,000, अलॉटमेंट का कितना पेमेंट नहीं किया, 11,000 एंड द डिफरेंस विल बी रिटर्न हियर 9,000 अमाउंट पेड बाई प्रदीप। वी कैन सी हियर अमाउंट पेड बाई, एप्लीकेशन के टाइम पर उसने पेमेंट किया था 3,000 शेयर्स पर 3 rupees, इट मीन्स 9,000 rupees ही हैज पेड। ओके नेक्स्ट सिक्स नंबर की एंट्री हमारे पास क्या होगी, फर्स्ट कॉल को कॉल्ड अप करना बिकॉज हिज शेयर्स वर नॉट रीइश्यूड। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू वॉट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, नो प्रीमियम इज देयर। फर्स्ट कॉल पर कितना कॉल्ड अप करना देखो, अब 2,94,000 सेवन नंबर उसकी अमाउंट है वो पूरी मिल चुकी है, वहां पर कोई कॉल्स इन एरियर्स नहीं है, डायरेक्टली 2,94,000 हमको पूरा का पूरा अमाउंट मिल चुका है यहाँ पर। तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू वॉट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 2,94,000 एंड 2,94,000 द होल मनी हैज बीन रिसीव्ड। नेक्स्ट एंट्री फॉर फाइनल कॉल, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कॉल्ड अप करना है फाइनल कॉल का मनी इसके लिए, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू वॉट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मच 1,96,98,000 इंटू टू नाइन नंबर एंट्री रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल तो बैंक अकाउंट डेबिट कॉल से एरियर्स अकाउंट डेबिट यस और नो टू व्हाट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट ओके 6,000 कॉल से एरियर्स इज देयर फॉर प्रकाश शेयर्स सो कॉल से एरियर्स 6,000 1,90,000 वी हैव रिसीव्ड आउट ऑफ 1,96,000 6,000 वेयर कॉल सिनेरियस एंड 1,90,000 वेयर रिसीव्ड आफ्टर देन फोर फीचर टेन नंबर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट एंड व्हाट अमाउंट फाइनल कॉल हैज नॉट पेड बाई प्रदीप प्रदीप ने ओनली फाइनल कॉल पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओनली फाइनल कॉल टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट हाउ मेनी शेयर्स 3,000 शेयर्स वेर एलोटेड एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद अगर फोरफिटेड किए सो टोटल कैपिटल 3 to 5 एंड 3 to 8 एंड 2 to 10 विल बी टेकन देयर 3,000 इंटू 10 30,000 What amount has not been paid? 6,000 only. 6,000 he has not paid 3,000 shares into 2 rupees final call. So 6,000 after 24,000. Okay. Out of 30,000, 6,000 has not been paid and 24,000 has been paid by Prakash. 11 number reissue. All the shares of both the persons, both the shareholders were reissued. So रीशो की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू व्हाट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हाउ मेनी शेयर्स टोटल 5,000 टोटल 3,000 प्रकाश एंड 2,000 प्रदीप टोटल 5,000 शेयर्स कैपिटल इज 10 सो 50,000 विल बी देयर Out of this, shares were issued at the price 7. 7 fives are 35 and the difference will be taken to the share forfeited account. 15,000. 50,000 minus 35,000 you will take 15,000. And the last entry is 12 number that is 4. Share forfeited account debit. To what? टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट तो फोरफिटेड में देखो क्रेडिट साइड में कितने 24,000 प्लस 9,000 33 माइनस 15,000 डेबिट तो देखो पहले क्रेडिट साइड का लिखते हैं 9,000 प्लस 24,000 सेकेंड टाइम और 15,000 इज इन डेबिट तो माइनस करो कितना आएगा 18,000 दैट विल बी टेकन टू द कैपिटल रिजर्व दैट अमाउंट विल बी टेकन टू द कैपिटल रिजर्व ओके नाउ क्वेरी